वेलकम टू द आशिमा शो। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, मैंने यूएसए व्लॉग्स के लिए एक नया चैनल बनाया है, तो अगर आपने अभी तक मेरा नया चैनल आशिमा धारीवाल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। देश भर में लॉकडाउन रिलैक्स किया जा रहा है, पहले ट्रेन चलाई गई और अब फ्लाइट्स भी चलानी स्टार्ट हो गई है। पिछले एक दो हफ्तों में आपको आपके आसपास की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल सी लगी होगी, सब कुछ वापस पहले की तरह पटरी पर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, हम एक चीज भूलने की गलती नहीं कर सकते कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या बस घर पे हाथ धरे बैठे रहें, क्योंकि कोरोना तो हो सकता है एक साल तक ऐसे ही बढ़ता रहे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप बाहर जाकर अपना काम भी कर पाएंगे और कोविड-19 से सेफ भी रह पाएंगे, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इस वायरस के एक्सपोजर को लिमिट करने के लिए जरूरी है कि हम इसके पैटर्न को समझें। मैं आपको ये समझाती हूँ एक एक्चुअल केस स्टडी से। तो ये स्टडी हुई थी चाइना में। हुआ क्या कि 23 जनवरी 2020 को एक फैमिली ने वुहान से ट्रैवल किया चाइना की एक दूसरी सिटी गांजियों में। लगभग 10 लोगों की ये फैमिली थी और उसके अगले दिन वे सभी गए एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई क्योंकि उस फैमिली के एक मेंबर को कोविड-19 था, पर अभी तक सिम्टम्स आने शुरू नहीं हुए थे, यानी कि एसिम्प्टोमैटिक था। आपको ये बता दूं कि एसिम्प्टोमैटिक पेशेंट्स में सिम्टम्स शो नहीं होते, पर वो इंसान दूसरे लोगों तक वायरस को ट्रांसफर कर सकता है। तो अब यही हुआ, टेबल पर सभी लोग पास पास बैठे थे। कुछ दिन बाद उस लंच टेबल पर बैठे कुछ बाकी फैमिली मेंबर्स में सिम्टम शो होने शुरू हो गए, और उसके भी कुछ दिन बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से पता लगा कि उस रेस्टोरेंट में राइट और लेफ्ट साइड टेबल पर बैठे लोगों में भी कोविड के सिम्टम्स शो होने शुरू हो गए। जब इस पर रिसर्च हुई तो रिसर्चर्स ने कहा कि इन सभी लोगों के कोरोना स्प्रेड होने का सोर्स वो एक इंसान था जो एसिम्प्टोमैटिक था। जिसमें हैरानी वाली बात ये थी कि रेस्टोरेंट में दूसरे टेबल पर बैठे लोगों में और उस एसिम्प्टोमैटिक पेशेंट में 14 फुट तक का डिस्टेंस था, फिर भी ये वायरस उन तक फैल गया। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी, मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इसका रीजन है उस रेस्टोरेंट का एयर कंडीशनिंग यूनिट, जिससे कि हवा उस रेस्टोरेंट में टू एंड फ्रो सर्कुलेट हो रही थी, जिससे कि उस वायरस का इन्फेक्शन ड्रॉपलेट की फॉर्म में रेस्टोरेंट के इंडोर एनवायरमेंट में फैल गया और बाकी लोग भी इन्फेक्टेड हो गए। अब क्योंकि ये वायरस एयर में ट्रैवल कर सकता है, तो जरूर ऐसे टाइम पर जब कोरोना वायरस के केसेस दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस को ओपन करना एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है और उससे बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं, जैसे कि क्या अपने काम पर वापस जाना सेफ है, क्या ट्रेन या एयर ट्रैवल करना सेफ है, क्या किसी भी पब्लिक प्लेस, शॉप या अपने रिलेटिव्स के घर जाना सेफ है, या फिर बीमार होने के चांसेस हैं। आज की वीडियो में मैं आपको आपके इन्हीं सभी क्वेश्चंस का सलूशन बताऊंगी जो सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हम अपने रूटीन एक्शंस को एक बार के लिए दो पैरामीटर्स में बांटे, सेफ और रिस्की, तो उसमें हम सबको पता है कि अगर हमें कोविड से बचना है तो हमें सेफ वाली साइड पर ही रहना होगा, जिसमें हमें घर पे रहना होगा, बाहर के लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आना होगा। पर क्या ये करना हमेशा पॉसिबल है? मोस्टली केसेस में नहीं। हमें अपनी एसेंशियल नीड्स के लिए बाहर जाकर सामान भी लाना है, या फिर अगर आप एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको बाहर जाना होगा। आपकी बॉडी की नीड है तो आपको बाहर वॉक के लिए भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा भी और कई अवॉइडेबल रीजंस हो सकते हैं जिससे कि आपको घर के बाहर कदम रखना पड़े। तो दोस्तों, एक चीज जो मेरा कन्वे करने का पर्पस है वो ये है कि अगर आप अपने आप को और अपने आसपास वालों को इस वायरस से बचाना चाहते हैं, तो हमें रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली लॉन्गर टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो है इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब अगर स्केल को देखें तो यहाँ पर एक साइड है कंप्लीट सेफ, यानी कि कंप्लीट क्वारंटाइन, और दूसरी साइड है कंटेजियस, यानी कि बिना प्रिकॉशंस पहले की तरह अपनी लाइफ को जीना। तो हमें अपने आप को ग्रीनर यानी कि सेफर साइड पर पुश करने की लगातार कोशिश करनी है जितना हम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अपने आप को ग्रीनर साइड पर पुश करना कैसे है।
इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ, ताकि आप कॉन्शियसली एफर्ट करें अपनी लाइफ की रूटीन एक्टिविटीज में और मेजरली सेफर साइड पर रह पाए। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं। घर से बाहर जब भी आप पैदल जाएं या कोई सामान लेने या फिर किसी जरूरी काम से, तो कैसे हम अपना रिस्क मिनिमम कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी हम सांस लेते हैं, बात करते हैं, खांसते या छींकते हैं, तो हमारे मुंह या नाक से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अब उन ड्रॉपलेट्स में से कुछ तो हैवी होते हैं जो मुंह से निकलते ही जमीन पर गिर जाते हैं, बाकी कुछ हल्के होते हैं जिनकी वजह से वो नीचे नहीं गिरते बल्कि एयर में फ्लोट कर जाते हैं, और कोरोना का वायरस इन्हीं ड्रॉपलेट्स में होता है। अब ये वायरस हवा में रहता है तो रिस्क बढ़ जाता है हमारा इनसे इन्फेक्टेड होने का। हमें ये नहीं पता कि कितने वायरस से एक्सपोज होने पर हम बीमार हो जाएंगे, पर हमें ये जरूर पता है कि अपने आप को जितना हम वायरस के एक्सपोजर से बचा कर रखेंगे उतने ही हम सेफ रहेंगे। बस हमें यही करना है, अपने आप को इस एक्सपोजर से ज्यादा बचा कर रखना है। तो दोस्तों, इस एक्सपोजर को कम करने के लिए तीन तरीके मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जो शायद हम सबको पहले से पता है पर उनकी इंपॉर्टेंस टाइम टू टाइम याद दिलाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फैक्टर है डिस्टेंस। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम बाहर जाएं, किसी से बात करें, तो 6 फीट का डिस्टेंस जरूर जरूर बनाकर रखें। अगर आप किसी दूसरे इंसान से पास खड़े होकर बात करते हैं तो डेफिनेटली वायरस ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ जाता है, और ये रिस्क आगे बढ़ता ही जाएगा जितनी देर आप किसी इंसान के पास खड़े होकर बात करेंगे। लेकिन इस रिस्क को कम करना हमारे हाथ में है। अगर दोनों लोगों ने मास्क पहने हैं तो रिस्क ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, क्योंकि वायरस ड्रॉपलेट्स का एक्सचेंज होना काफी हद तक मास्क से मिनिमम हो जाता है। दूसरा फैक्टर है ड्यूरेशन। इसका मतलब है कि आप कितनी देर तक उस इंसान के पास खड़े रहते हैं, और यहाँ पर रिस्क वेरी करता है कि आपका मोशन क्या है। आप कहीं पर काफी देर के लिए खड़े हैं, कुछ देर के लिए खड़े हैं, स्लोली वॉक करके क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, या रन करके क्रॉस कर रहे हैं, या अलग अलग सिचुएशन में हमारा स्केल ऑफ रिस्क डिफरेंट होगा। और ये हमें पता है कि जितनी जल्दी हम क्रॉस करते हैं उतना ही हमारा एक्सपोजर टू रिस्क कम होगा। बस हमें कॉन्स्टेंटली ये चीज अपने ध्यान में रखनी है। और तीसरा फैक्टर है वेंटिलेशन। इसका मतलब जहां आप किसी कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, क्या वहां एयर का ठीक से वेंटिलेशन है। एक्चुअली होता क्या है, एयर वेंटिलेशन उन एयर पार्टिकल्स को डिस्पर्स करने में हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वेंटिलेशन इस वायरस के स्प्रेड के रिस्क को कम करती है, एलिमिनेट नहीं करती है, तो आपको हेल्प करती है रिस्क स्केल के ग्रीनर साइड पर शिफ्ट होने की। ऐसे में एक चीज जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है कि ओपन एयर मार्केट में शॉपिंग प्रेफर कर सकते हैं बजाय कि इंडोर्स में शॉप करना, लेकिन ये हर टाइम पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इंडोर के रिस्क को भी रिड्यूस किया जा सकता है सिंपली फॉलोइंग पॉइंट 2, ड्यूरेशन। आप स्टोर के अपने इन एंड आउट टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस की अभी तक की स्टडी से ये देखा गया है कि ये वायरस इंडोर्स में ज्यादा कंटेजियस होता है कंपेयर टू आउटडोर्स। अब ऐसा नहीं है कि आउटडोर्स में ये फैलता नहीं है, पर कंपेरेटिवली कम कंटेजियस होता है क्योंकि कुछ ड्रॉपलेट्स विंड से डिस्पर्स हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है उस टाइम मास्क पहनना ताकि ड्रॉपलेट्स हम इनहेल ना कर पाए। तो दोस्तों, हम कितने रिस्क में हैं ये काफी हद तक हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना उस रिस्क को कम कर पाते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है कि एक एक इंसान उस रिस्क को कम करने में कॉन्ट्रीब्यूट करे। और ये सब जानना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत से जगहों पर अब लॉकडाउन खोला जा रहा है, धीरे धीरे आउटडोर एक्टिविटीज लोगों की बढ़ती जा रही है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिमिट द एक्सपोजर इफ कांट बी एलिमिनेटेड। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आप सभी प्लीज इस वीडियो को अवेयरनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अवेयरनेस फैलाना इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।